जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज है 9 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अगस्त को। अब देखो दोस्तों, अगस्त महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त दोस्तों, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, विश्व स्तनपान सप्ताह दोस्तों 1 से 7 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्टार लिंक को टक्कर देने के लिए 1000 सेल्स सेटेलाइट लॉन्च किया है? स्टार लिंक को टक्कर देने के लिए ऐसा कौन सा देश है जिसने 1000 सेल्स सेटेलाइट लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया दोस्तों, चीन ने लॉन्च किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। दोस्तों देखो दोस्तों, स्टार लिंक जो है ये अमेरिका की कंपनी है और दोस्तों ये स्पेस एक्स की सहायक कंपनी है स्टार लिंक है। देखो, उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क स्थापित करने के लिए स्थापित की गई है और स्टार लिंक के पास लगभग 5500 उपग्रहों का एक ब्रॉडबैंड नक्षत्र है मेरे प्यारे लाल एवं लाडियो। तो स्टार लिंक कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है और ये स्पेस एक्स की सहायक कंपनी है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया है? लद्दाख में किया है और लद्दाख में ही है हेमिस नेशनल पार्क। अब देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है दोस्तों? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है? दोस्तों पहले क्या था वहां का क्षेत्रीय चुनाव में, क्या था कि जिसके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे से अधिक हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया गया है। किस राज्य ने करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने दोस्तों अब 2 बच्चे वाली नीति को चुनाव उम्मीदवार के लिए समाप्त करने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर है आंध्र प्रदेश के गवर्नर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट जो है वो 175 है और राज्यसभा यहाँ पर कितना है? 11 है। लोकसभा कितना है? 25 है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को मेरे प्यारे लाल एवं लाडियो। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन श्री सेल्म वन्य जीव अभयारण्य, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सेल्म वन्य जीव अभयारण्य। पाम्पीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राज्य मुंद्री में है और आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी और कोलट्टम है आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य। एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे लाल एवं लाडियो। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया है? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को दोस्तों किस भार वर्ग में आयोग घोषित कर दिया गया है? तो 50 केजी के भार वर्ग में दोस्तों, अर्थात इनका वजन दोस्तों 50 केजी से 100 ग्राम अधिक हो गया था जिस कारण से विनेश फोगाट को दोस्तों आयोग घोषित कर दिया गया पेरिस ओलंपिक में। अब देखो दोस्तों, ओलंपिक तो आधुनिक ओलंपिक का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पियरे डी कुर्वतने के द्वारा की गई थी जो फ्रांस के थे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तिमिद्रियास वेकेलास। और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सर दुराबजी टाटा। दोस्तों अभी बता दो आप कमेंट बॉक्स में कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया था? एमस्टर्डम ओलंपिक में किया गया था 1928 में। और ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था? 1968 में मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में किया गया था। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एडवर्ब ओलंपिक में फहराया गया था। रेशमी कपड़े से बने इस ध्वज की पृष्ठभूमि जो है यह सफेद है, जिस पर पांच अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह वृत्त जो है ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे यूरोप के लिए नीला रंग दोस्तों है, एशिया के लिए पीले रंग का वृत्त है जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, अफ्रीका के लिए काले रंग का वृत्त है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरे रंग का वृत्त है, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप के लिए लाल रंग का वृत्त है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो एनआईटी कलिकट ने। दोस्तों एनआईटी कलिकट ने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है, क्यों? तो डेटा प्रबंधन के लिए मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में हिंसा के कारण किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो मणिपुर में लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू बांग्लादेश में हिंसा के कारण मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर में राज्यसभा कितना है? एक। लोकसभा कितना है? दो। दोस्तों मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और मणिपुर में विधानसभा सीट है 60। मणिपुर में है विधानसभा सीट 60, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है तुजू दर्रा दोस्तों जो मणिपुर में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने किस राज्य में अपना गिफ्ट सिटी कैंपस खोला है? तो गुजरात में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के डेकन विश्वविद्यालय ने अपना गिफ्ट सिटी खोला है। अब गुजरात में खोला है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिम घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक ने दोस्तों वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। यहाँ पर राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखना। मेकेदातु बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। दोस्तों अब हम आज कल के करंट अफेयर को जरा रिविजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? वॉलमार्ट, जो अमेरिका की कंपनी है। भारत किसकी सहायता से 770 किलोमीटर लंबी हरित राजमार्ग बनाएगा? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। दोस्तों नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है? तो अहमदाबाद। और भारत के सबसे महंगे आवासों की सूची में शामिल हुआ है मुंबई। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को जन्म विरोध के जन विरोध जनता के द्वारा विरोध के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा और पद छोड़ना पड़ा है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दोस्तों, उनका नाम क्या है? शेख हसीना को। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। तो बांग्लादेश की सरकार का प्रमुख अब कौन बन गए हैं? मोहम्मद यूनुस मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों पी वेकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वी वेदा चरण को सम्मानित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं।
हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी ने जीता है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया? आंध्र प्रदेश को। भटो यात्रा समारोह किस देश में संपन्न हुआ? नेपाल में। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में भारत किसकी सहायता से 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनाने की घोषणा किया है? और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाले एवं लालियों।